बुंदेलखंड सांस्कृतिक मेला महोत्सव दमोह भैया 12 फरवरी से शुरू हो रहा दमोह में और जो 5 मार्च तक चल रहे हैं। भोपाल की है भेल जनसेवा समिति, उनके द्वारा जो पूर्व आयोजन करो जा रहा हो, तो दमोह के तहसील ग्राउंड में जो मेला लगने है दोपहर से लेकर देर रात तक, ऐसो आकर्षण मिलने के देख के लगे कि असली मेला में हम आ गए। तो भैया इंतजार खत्म हो रहा हो और 12 फरवरी से दमोह में पहुंच रहा हो जो मेला भोपाल से उखड़ के। तो भैया और हो जाओ तैयार, घर के दद्दा के बाइक के बिन्नू के घर वाली के सब के लेके लड़का बच्चन के लेके पहुंचने ही मेला में। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुकी से नीरज। आज 3 खबरें हमारे पास हैं और पहली खबर जाए कि आज चोरी हो गई रात के, दूसरी खबर जाए कि एक दिन पहले खूब उत्साह के संगे 9 साल को जश्न मना होगा पूरे शहर में सब जगह भाव, और तीसरी जो है कि भटा गकरिया को गकरिया भी एक जगह भाव और कैसे भाव वह हम भी बता रहे हैं। पहली खबर में हम रुक कर रहे हैं जो खबर भैया महोबा रोड पर चोरी की वारदात हो गई। सिटी कोतवाली क्षेत्र में जो इलाका हुआ था महोबा रोड पे चिराग अग्रवाल की फर्नीचर की दुकान है, इतने से बदमाश शटर काट के और सीसीटीवी कैमरा के तार काट के चोरी कर ले रहे। पूरा मामला हम दिखा रहे हैं, फिर बाकी आगे की बदकावी कर रहे हैं। सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत महोबा रोड पे अग्रवाल फर्नीचर की दुकान है, इतने से पेपरमेंट को भी कारोबार कर रहे थे। बीती रात छतरपुर में चोरन ने कहा करो के शटर काटी और शटर काट के इतने से भड़ियाई कर ले गए। चोर सीसीटीवी में कैद ना हो जाए इसके लाने बदमाशन ने उतर के तार भी काट दें। 6 कंटेनर जो पेपरमेंट को तेल है तो वो लेके चले गए। इसकी कीमत बताई गई 2.5 लाख रुपये के लगभग। दुकान के संचालक चिराग अग्रवाल ने बताओ कि दुकान में कई बार पहले भी चोरी हो चुकी और जब चौथी बार चोरी हुई है। रात के करीब 3 बजे उन्हें पता चलो कि चोर ने उनकी दुकान के निशाना बना रहा। पुलिस के सूचना थी, पुलिस मौका पर पहुंची और उसके बाद तो पड़ताल खाना पूर्ती थी पुलिस ने कर ली। दुकान पर लगभग 3 बजे के लगभग हम जब घर से आ रहे थे, यानी पहले साइरन बजा, चाचा हमारे घर पर पहुँचे और देखा तो उनने बताया कि आपकी दुकान तारे टूट चुके हैं। तो हम घर से भागते हुए दुकान पे आए और देखा कि तारे टूटे हुए हैं, शटर खोली और देखा हमारे यहाँ से 4 कट्टी 5 कट्टी माल चोरी हो चुका है। तो हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, रात को ही कॉल किया, टीआई साहब को कॉल लगाया पहले हमने, तो टीआई साहब ने उन्हें अवार्ड किया किसी को, तो वहाँ से फिर 100 नंबर डायल करके आया, कोई आया सब चेक किया उनने, यहाँ पर देखा समझ में आया कि माल चोरी हुआ है। सीसीटीवी जो लगा हुआ था, कैमरे वैमरे लगे हुए थे, सारे वो उखाड़ के ले गए हैं और जो हार्ड डिस्क थी हार्ड डिस्क भी ले गए हैं दुकान से, बचा कुछ है नहीं है, फुटेज कोई है नहीं है। लगभग कितनी कीमत का सामान आपने? लगभग 2.5-3 लाख रुपए का माल था हमारा, 2.5-3 लाख रुपए की चोरी चोरी हुई है। हाँ, एक दो बार, हमारी चौथी बार चोरी हो रही है दुकान पर। कोई कानून का कोई वो ही नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा होता है क्या होता है, कोई वो नहीं रह गया। अभी वो चाहें तो फुटेज देख के, क्योंकि 2 किलोमीटर के रेंज पे कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पे कैमरे से ही फुटेज देखी जा सकती है, हर चीज़ देखी जा सकती है। और एक हथिया ही बरामद हुआ है, हथिया रखा हुआ है मेरे अंदर रखा हुआ है हथिया, वो रख के गया है, उससे ही फिंगरप्रिंट से भी निकाला जा सकता है, बट कोई कार्रवाई नहीं होगी हमें पता है। पहले भी हो चुका है हमारे पास, एक बार हमारी चौथी बार चोरी हो रही है। अब अगली खबर की तरफ मोह, हमारे पास खबर है कल के नए साल के जश्न की। पूरे शहर में तुषार पड़ो तो ठंड पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी आदमी माने नहीं है। हम बता रहे हम और बहुत एक संस्कृति की तरफ बढ़ रहे, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे, आदमी के अपने स्वास्थ्य को ख्याल ना तो, लेकिन 9 साल मनावे को तो चलो ठीक है। आदमी इनके मन की बात वही सो ने सज्जन ने कछु ने हनुमान डोरिया गए, कछु ने पीतांबर शक्ति पीठ गए, अलग अलग जाके आदमी ने 9 साल को जश्न मनाओ। उम्र देखो कि लड़का बच्चा सब बड़े उत्साह से, तो अच्छी बात जाती कि आदमी ने मंदिरन से नए साल की शुरुआत करी। हनुमान टोरिया में और साईं मंदिर में गुचक के भीड़ आती, कल आदमी के पाँव धरवे के लाने जगह ना आती, और जो एक अच्छी शुरुआत है नए साल पे। अगली खबर की तरह मोह हमारा वही बात के लेके, छतरपुर में जो बदमाश लड़का तो नामदेव को,
फेरो पत्रव कर शुरू होगा कछु जाने के संगे फर्जी आती लग गए और ये बात कह रहे कि वो सिखा पड़ा रहा है कि अब तुम झूठी शिकायत करो। एक जन परिवार जन के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराओ तो जो नहीं नामदेव के लड़का के खिलाफ वो लड़का अब सब जगह वो परिवार की पहचान उजागर कर रहा और जो मीडिया माध्यम कर रहे जो भी एक अपराध है नाबालिग लड़की की और उनके परिवार की अगर पहचान को उजागर करते हैं तो अपराध की श्रेणी में मान जाते हैं। जो राकेश नाम दो मोड़ा इतना बदमाश है कि ई के खिलाफ अपराध दर्ज होगा उसके बाद जो अपनी हरकतों से नहीं मान रहा वो परिवार के खिलाफ जो कछु जन के संगे मिलकर जो पूरे नाटक कर रहा हूँ। आज जो सोशल मीडिया पे खबरें वायरल भाई और उनके जो बदमाश संरक्षण देने वाले जो बदमाश थे एक जने पवन अग्रवाल हैं और एक उनके को नेता है उनके खानदान के वे सब जने मिलकर वो लड़का के सह दे हैं और एक परिवार जो प्रताड़ित है वो आत्महत्या करने की स्थिति पहुंच गए लेकिन उनके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही और एक फिर झूठी शिकायत लेके वो बात करने लगो वो जो आरोप लगा रहा हो कि एक लड़का के ऊपर जो बिटिया को भैया है कि जुआ खेलते और जुआ में रुपये हार गए जुआ को विवाद तो ई के लेके पूरी आरोप प्रत्यारोप लगा लगो। आज कछु जन ने उनकी वीडियो बनवा के वो फर्जी शिकायत खा के एक झूठी शिकायत कराई है परिवार के जो पुलिस अधिकारी उन पर भी आरोप लगाए हों जो एक शर्मनाक पहलू है पूरे मामले को कि आदमी अब सत्य की पड़ताल करे तो कहाँ पे करे। परिवार केवल अपनी इज्जत के कारण मीडिया में सामने नहीं आ पा रहा हमने भी कई बार प्रयास करके बुंदेली चुगली स्टूडियो में आके अपनी पीड़ा बताया लेकिन परिवार नहीं आओ लेकिन वही परिवार पे ऐसे आरोप गंदे गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब वो अगर नहीं मर रहा हो तो कौन स्थिति में जो हो तो न्याय की उम्मीद करे तो अब उनके ऊपर जय स्थिति हो गई कभी वो आत्महत्या कर ले कौन भरोसा नहीं है। ये बदमाश लड़का की थोड़ी सी हम बात है सुनवा रहे उसके बाद अगली खबर पे मौका कर रहे हैं। हमारा नाम राकेश नामदेव है अपनी लड़की से हमारे ऊपर छेड़छाड़ का केस लगाया है आए गिरफ्तार हुए थे हम एक दिन के दो दिन के लिए जेल भी गए थे। आखिरी खबर जो है वह है गकरियाओं को लेके बुंदेलखंड की लोक संस्कृति अपने आप में इतनी समृद्ध है कि को के भी कैसे भी दिन हो कछु भी हो हंसी खुशी में अपनी खुशियां जे इतने के आदमी खोज ले। कल नौ साल का दिन तो को मंदिर जाओ तो को होटल जाओ तो को कहूँ जाओ तो लेकिन संगम से वाले परिवार ने अनोखे तरीके से जो दिन मनाओ का उन्हें तो लोगों के बुंदेलखंड की लोक संस्कृति है और जो गकरियाओं एक अच्छी पहचान होते हैं और सगुन भी होगा पानी की बूंदाबांदी होने लगी थी तो गकरिया भाव हम तो सीधे मौका पे ले चल रहे हैं ऐसे होते ही जो कछु भाव हम दिखा दे रहे हैं। भैया और राम राम हमें बुंदेली चुगली से नीरज आज जो गकरिया देख रहे हैं जो छतरपुर के सागर रोड पे एंजल स्कूल है वही पे हो रहा हूँ संगम सेवा परिवार को गकरिया हमें भी बुला गो तो न्योतो मिलो तो न्योतो लेके हमने भी गकरियाँ को चख ली गकरियाँ कितनी सौंधी आती है हमारी पूरी टीम ने खाई हो यही बोले कि बढ़िया मज़ा आ गया हो भाई साहब ऐसी मीठी गकरियाँ ऐसा सौंधो गकरिया कौन देखे ना मिले सब जने बोले नर भर गई मन नहीं भरो गकरिया में हमें कह चुका जो है तो पता भी चल जाएगा ऐसे हम ऊ बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के हिस्सा है जा जो कहो जात के सौ दंदी फंदी एक बुंदेलखंडी और जो भी कहो जात के दाल बाटी चूरमा वो हम बुंदेलखंड के सूरमा तो ऐसी जो गकरियाओं की पार्टी है तो चल रही जो हम दिखा दे रहे हैं और भाई हरे तो खा रही अच्छी बात जो है कि भाई हरे खा रही हमारे कहते समाज में कहा था नारी अस्थि पूज्यंते नारी के प्रथम समाज में दर्जा मिलो है और नारी और जो कहा लगा ना लेडीज फर्स्ट सो इतने भी यही चल रहा और सबसे अच्छी बात है भैया हरे परोस रहे भाई हरे खा रही दाल है चटनी है भरता है राय तो है और गकरियाँ हैं और उससे अच्छी सबसे बड़ी जो बात है सौंदाट है जो इतने बना गो इतने स्नेह से बना गो उको पूरा रस ई भोजन में आज शामिल भाव है कैसो है भोजन ईव के लाने हम बात कर ले रहे जनजू अवस्थी है तो संगम से वाले परिवार से पूछे ले रहे जो आयोजन है तो की ने बनाओ की को योगदान रहो जब बात कर ले रहे। अरे आज सुबह से हम औरन ने बढ़िया सुबह से उठे सुबहों की प्यासी हैं सवेरे सवेरे उठे सो सब इंतजाम करो कंडा मंगाए आटा मंगाओ सब सामान मंगाओ फिर सब सामान इकट्ठो करो बड़ी मेहनत क्वेश्चन से सब सामान इकट्ठो हो पाओ फिर चून मारो चून में नॉन डारो मोन डारो सब डारो बड़ी अजवाइन डारी फिर चून मारो फिर चून मार के हमारी भाई हरे आई सोनों ने बड़ी मशक्कत से बढ़िया गकरियाँ बनाई बढ़िया मठाछों को दार बगारी भरता बनाओ और जैसो भटा को भरता बनाओ सो बड़ो सुहानो लगो जो को खा है सू बताया कि कैसे स्वाद है अब हम तो खा रहे हैं सो मैं तो बड़ो मिठा रहा हूँ जाए देखो यही मिठास है बुंदेलखंडी की वजह से कि व्यंजन की मिठास है वह पूरी भोजन में घुरी है और यही बोली में भी घुरी है। संजय अवस्थी हमारे बीच है जो सब जाएंगे गकरियाँ घी लगा लगा के परोस रहे हैं इनसे हम बात कर ले रहे हैं
जे ऐसे किरदार है मीडिया की एक ने जे सब जगह सबके बीच मिल जात। संजय कहा है सबके दिखाओ तो दिखत कहो नहीं, बुंदेली चुगली में आज दिखा संजय गकरियां खाई कैसो लगो अनुभव परस में भी अब कितनो मजा आ रहा बताओ तना। बहुत अच्छो लगो भाई यारो गकरियां खाए में और परसे में और जाई अपने ते की प्रथा है और बुंदेली चुगली ये ते आई है, बुंदेली चुगली की पूरी टीम आई है, सबने गकरियां खाई है। हमारे संजू भैया हैं, भाई साहब हैं, सब जने एक दूसरे प्रेम से सब जने परस रहे खा रहे बहुत नहीं नो लग रहा सब जने ना। जे आनंद कहूँ नहीं है, आदमी होटल में जा रहा लोगरिया लगा रहा जेब में पैसा में और दुनिया भर के नाटक नौरा कर रहा हूँ, लेकिन वो सुकून नहीं मिल पाऊँ, वो संतुष्टि नहीं मिल पाऊँ जो इतना की लजीज भोजन में बुंदेलखंड की संस्कृति में और ऐसे एक संगम में, एक संगम संघ सेवालय है जो परिवार जो केवल एक दो तीन चार जन को नहीं है, जो कई चीजन को संगम है, संस्कृति को, सेवा को और अनूठे मेल मिलाप को। उस संगम सेवालय के प्रमुख विभिन्न अवस्थी हमारे संघ है, इनने जो आयोजन करो और जिनकी भूमिका कैसे का तैयार भाई का इनने सोच के करो, इनसे बात कर ले। स्वागत है बुंदेली चुगली में, आज जो आयोजन करो इकला धन्यवाद, हमों के ही बुलाओ और आप अपनी बात ही रख दो हम चाह रहे हैं। उन्होंने सोची कि 9 साल आओ है तो हम बुंदेलखंडी वासी हैं तो काय ना बुंदेलखंड के अनुसार अपनाएं, तो यही सोच के हम उन्हें विचार करो और भटा गकरियां जो बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा पिछले थे उनको प्रोग्राम रखो और हमने कही कि सब जने अपने जो लोग हैं वे इकट्ठे हों और इसका आनंद लें और ऐसो आनंद आए कि सब लोग याद रखें कि 9 साल हतो तो हमने जो आयोजन रखो और सबका बुलाओ। बहुत बढ़िया, और जो कि वह इन्हें अपने नहीं रखो, आज शहर में जहाँ जहाँ जरूरतमंद भूखे प्यासे लोग हैं उनको पहले जो इंतजाम कर ले रोज सवेरे से सब्जी वब्जी ले आके पहले उनको, जो आज से नहीं 365 दिन बिना रोके नागा एक ऐसो अनूठी परंपरा छतरपुर में एक ऐसो अनोखो सेवा कार्य कर रहे कि शायद कोई ना कर पाए और वह भी अपने सामर्थ्य अपनी जेब से ये कर रहे हैं। शहर में जहाँ जहाँ भूखे आदमी मिले थे जहाँ इन्हें देखा पड़ते थे रुक के उन्हें रोज गर्म रोटी सब्जी, जब पूड़ी हो त्यौहार हो तो पूड़ी खीर उन्हें खवाते हैं। और इसके अलावा 4 दिन पहले जी आदिवासी क्षेत्र से कपड़ा बांट के भी आए, एक ऐसी संस्था है कि ये पता है कि दूसरों की हमें कपड़न को ख्याल रखने, उनके पेट को ख्याल रखने, उनके जीवन को ख्याल रखना है। और केवल इतने तक नहीं, पेड़ पौधन की बात भी जो संगम सेवालय करत है, एक ट्री एम्बुलेंस करके बना के जैसे इनकी संस्था है उनके माध्यम से पेड़ पौधन की संरक्षण के लाने उनके रख रखाव के लाने लगातार जो काम करते हैं, हर इतवार के पूरे शहर में कहूँ ना कहूँ जब पूरी टीम दिखा जाए। हमने इसे सबसे कछु जोड़ दो कहा से बुंदेलखंड आ जाओ, हमारे कछु 14 जनवरी के खिचड़ी को पर्व मना रहे हैं, जो खिचड़ी हमने इसे जोड़ दी कहा से सब कछु मिला कर जो संगम है और यही हमारी संस्कृति है, मौलिकता है देश की, हमारे समाज की यही जीवन रेखा है। और संस्कृति इसे कहते हिंदू मतलब से कि सही हर जाति भर हर आदमी को आते हैं और बुंदेलखंड खिचड़ी परंपरा संस्कृति को देश है और वैसे ही एक छोटा सा प्रतिनिधित्व समाज संगम सेवाला की तरफ से हो रहा है। आयोजन एक बहाना है सबके जोड़ के एक नए उद्देश्य में, एक पवित्र उद्देश्य नए लक्ष्य में लगावो इनको काम है। सो भैया हमने सोची कि हम अपने दर्शकन के सब दिखाएं, यही कहलाने हमने अपन से सीधे जुड़े हैं। सो भैया राम राम, बुंदेली चुगली की टीम से हमें नीरज। तो भैया आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल जरूर हम बहुत लंबो बड़ो सो खुलासा कर रहे हैं और वो देख सुन के छाती और कान फट जाएंगे इनके, एक लाइन तैयार रहिए भैया। और राम राम, बुंदेली चुगली के टीम संजू सेवा और सोनू के संग हमें नीरज। बुंदेलखंड सांस्कृतिक मेला महोत्सव भैया ये बार दमोह में शुरू हो रहा हो, भोपाल इंदौर ग्वालियर के बाद अब दमोह जैसे छोटे से शहर में जो मेला पहुंच रहा है, अपने आप में अनूठो मेला है। इतने पे झूला है, खेल कूद के लाने, बच्चन के लाने सामान है, सब कछु संसाधन है, खावे पीवे माल को चेक पे ढंग के आइटम इतने पे मिले। ये मेला की तैयारी शुरू हो गई, सो 12 फरवरी से मेला के द्वार खोल जाए दमोह और पूरे बुंदेलखंड की जनता के लाने। सो भैया आ जाओ, कर लो तैयारी और 5 मार्च तक ऐसे ही बमचक मची रहे मेला की।